की नौकरानी ने फोड़ा सुजाता और कविता का भांडा। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि राधिका के साथ में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर राधिका को होश भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अब सबसे पूछते नजर आता है दिव्यम की, आखिर राधिका मार्केट गई तो क्यों गई थी। जिसके बाद ने नौकरानी, घर की ही नौकरानी, यहाँ पर खुलासा करते नजर आती और कहती कि वो तो आपका टैबलेट ठीक करवाने गई थी क्योंकि वो खराब हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर किसी और ने नहीं, वो कविता ने और सुजाता ने मिलकर ही अब ठान लिया है कि वो राधिका को घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे, इसीलिए वो टेबलेट खराब होने का बहाना बनाती है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर सबके सामने यहाँ पर वो नौकरानी कह देती है कि आपके टेबलेट खराब होने की वजह से ही वो गई थी मार्केट। जिसके बाद ये भी देते थे कि भाई आखिर उन्होंने भेजा किसने था। जिसके बाद वो सुजाता और कविता का नाम लेते हैं और यहाँ पर वो नौकरानी पूरा खुलासा कर देती है कि आखिर इनकी वजह से ही अब एक्सीडेंट हुआ था और राधिका किसी और की वजह से नहीं, इन दोनों की वजह से ही यहाँ से घर से गई थी। और दिव्यम का बहुत बुरी तरह से हाल हो जाता है राधिका का हाल देखकर, और उसके सामने आ जाएगा सुजाता और कविता का असली चेहरा कि वो दोनों ही मिलकर इनको घर से ही, यानी राधिका को घर से बाहर निकालने के लिए सब कुछ नाटक कर रही थी।